गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम बैक विद यू विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। द टॉपिक इज व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ शार्क टैंक ऑन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो एज ऑफ 2022 देर आर मोर देन 81,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इन इंडिया एज पर डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT। So, Indian ecosystem has been growing since 2016 and here comes Shark Tank, which is a replica of a show in US and it is a show in Australia also. So, Shark Tank India एक replica था एक international show का जो कि India में Sony Live में produce किया and as per Ashneer Grover, it was shot in his home. He had a big home and it was shot there basically for a couple of episodes. So there are a lot of advantages which we have got from this program right now. Now, it has stirred the entire startup ecosystem. Because pehle kya ho raha tha ki startup karna ek kabhi bhi ek option nahi mana jata tha. Hamare maa-baap hume samjhate the ki beta doctor ban jao, engineer ban jao. या देर आर अदर करियर ऑप्शंस, आप उनमें चले जाइए, या सबसे बढ़िया टीचर बन जाओ, गवर्नमेंट नौकरी पकड़ लो। तो अभी तक जो करियर ऑप्शंस थी बहुत लिमिटेड थी, कोई हमें समझाने वाला नहीं था, कोई करियर काउंसलर नहीं होता लाइफ में घर पे। एक तो इसने मिडिल क्लास में जो हमारा यूथ एंड ऑडियंस है उनको एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन दिया है कि अब आप इफ़ यू आर बोर्ड फ्रॉम 9 to 5 जॉब एंड यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द प्रोफेशनल करियर, सो यू हैव एन ऑप्शन टू गेट इन टू स्टार्टअप इको सिस्टम, नंबर वन। सो इसने पहला सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन ऑडियंस को ये मिला है कि इसने एक मिडिल क्लास में एक इंस्पिरेशन इंस्पायर किया है मिडिल क्लास को और उनको कुछ एस्पिरेशंस दिए हैं कि आप भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। नंबर दो, इस शो ने फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया है बिकॉज सम ऑफ लाइक यू माइट हैव नोटिस्ड सो फार कि हमारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम तक फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं, किसी भी आप बोर्ड में चले जाइए। नाउ देर आर सम बोर्ड्स विच आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग इन द 9th or 10th क्लासेस। आई नो फ्यू बोर्ड्स वेर इन दे टॉक अबाउट मनी भाई, जिसमें आप जाके अपने बच्चे को शेयर ट्रेडिंग का ज्ञान दे सकते हो। सो वो फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी भी टर्म्स हैं कि राउंड ए क्या होता है, एंजल राउंड क्या होता है, वीसी कौन होता है, शार्क कौन होता है, इक्विटी कितनी आपको देनी है और कितनी आपको फंडिंग लेनी है, तो वो सारा का सारा ज्ञान जो पहले हमें मतलब बुक्स के थ्रू मिलता था, अब ये लाइव शो के माध्यम से सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सिंस द यूथ एंड इवन द वर्किंग प्रोफेशनल्स हु हैव रीच देयर मिड करियर क्राइसिस नाउ एट एज ऑफ 45 to 50 प्रोफेशनल्स गेट सैचुरेटेड इन देयर करियर, ओके। दे हैव लॉट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, दे वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, जॉब पॉलिटिक्स एंड वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन। सो एट दैट जंक्चर एंड इवन फॉर द एज ग्रुप ऑफ कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स एंड 18 to 25 विच इज द मोस्ट क्रिएटिव पॉपुलेशन आई वुड से, एट दैट एज ऑफ 18 to 25, इवन एट द मिडल एज विच इज 45 to 50 ऑफ वेयर ए प्रोफेशनल रीचेज इट्स मिड करियर, और मिड करियर क्राइसिस तभी शुरू होता है वहाँ पे। सो इन दोनों पर्टिकुलरली एज ग्रुप के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहा है इसमें। मतलब लोगों को समझ में आ गया कि अब अगर आपके पास एक इनोवेटिव ब्रांड है, इनोवेटिव लोगो है, इनोवेटिव पिच है, और आपके पास कुछ नंबर्स भी हैं शो करने के लिए, बिकॉज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो एंड पिच टू दिस गाइस, नंबर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो एज ए प्रोफेशनल वर्ल्ड में इन्होंने मतलब नंबर वन पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी तक कि इन्होंने एक मिडिल क्लास को इंस्पायर किया, नंबर दो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया, नंबर तीन यूथ एंड मिड करियर क्राइसिस प्रोफेशनल्स के लिए एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन बन के आया। इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं बेसिकली इसने क्या किया कि पूरे इंडिया में मतलब एक लहर सी चला दी है कि जैसे अभी तक क्या था, वी हैड लिमिटेड करियर ऑप्शन, सो नाउ दिस हैज इमर्ज एज ए अल्टरनेट करियर ऑप्शन फॉर अस बेसिकली। एंड अनदर एडवांटेज इज दैट पीपल नॉट ओनली फ्रॉम टॉप मेट्रोस आर पार्टिसिपेटिंग इन स्टार्टअप इकोसिस्टम,
people from tier 2 town, tier 3 town, they have now started realizing after looking at this show and after looking at the way what questions will be asked by the business owners or the venture capitalists. Now, these venture capitalists are asking some very, very interesting questions. Some of these are like common questions, which you all know that aapki last year mein turnover kitni thi, aapki traction kitni hai, kitne users aa chuke hain online, kitni transactions har mahine ho rahi hain, last mahine aapne kitna revenue kiya. And I was looking at Shark Tank Australia also, wahan pe simple straight question puchte hain ki aapke bank mein paisa kitna hai, how much cash do you have right now in your bank, which is the most important factors these guys don't ask. But they should start asking that question now in India also. So, point we are trying to make that it has given a big fillip and motivation to the startup ecosystems. Tier 2, Tier 3 towns are also kind of now taking this on and forming their startups basically. Another advantage is that abhi tak jo log genuine inventors the, there are a lot of genuine innovations happening in India and in our own country basically. उन जेन्युइन इनोवेशंस को कभी कोई सहारा नहीं मिलता था. मतलब ऑब्वियसली सहारा मिलता है, मीन इवन आई हैव काइंड ऑफ हेल्प अ लॉट ऑफ एग्रीप्रियोर्स बेसिकली सम पीपल. वन आई हेल्प अ कंपनी इन हरियाणा वेर इन दे वर क्रिएटिंग ए क्ले मिक्सिंग मशीन एंड आई हेल्प देम क्रिएट देयर वेबसाइट वीडियोज एंड ऑल ऑफ दैट एंड दे स्टार्टेड गेटिंग ऑफ लाइक एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड ऑल दैट विच इज़ फाइन. सो बट नॉट मैनी पीपल विल गेट or give that kind of support to a small entrepreneur in a very small village in Haryana, right? So same way, like अभी जो है जो original inventors हैं पूरे इंडिया में, उनको एक platform मिल गया है. उनको ये समझ में आ गया कि आपको professional pitch करनी है, professionally dress up होना है, आपकी एक story होनी चाहिए, एक emotional connect होना चाहिए उस story में, तभी आप जाके pitch करो और आपको पैसा मिल जाएगा. Now where these guys are lacking right now, sometimes they give weird valuation. तो valuation कौन कोई इनको बताता नहीं है कि आपकी business की actual valuation क्या है. So I believe there are some more ज्ञान or dope we need for how to create correct valuation for your startup, which is what is required. Now another aspect beyond that, inventors are getting traction now and genuine inventors are coming out and they are being on aired now. The immediate effect on coming on Shark Tank is very, very obvious and prominent. Now, they get around 7 to 10 minutes to pitch. Now, if you were to get a TV commercial for 10 seconds, you have to pay in lakhs basically. Now, ye 10 minute aapko on air mil rahe hai. Aapke brand ki publicity hoti hai. Equity mile na mile, funding mile na mile, aapka brand popular ho jata hai. So, there are numerous such examples of companies who came, who presented their pitch, did not negotiate with these sharks, went back empty-handed, but their brand become very, very prominent in months. They started selling more basically. So, unko branding ka ek option mil gaya, unko advertising ka platform mil gaya, funding mili nahi mili, but unko paisa mil gaya. Now, there are aisi bhi kahaniyan aayi hain baad mein ki sare sharks ne mana kar diya invest karne ke liye, but sharks, उनके नाम नहीं लूंगा, देर आर सम लॉट ऑफ लाइक केसेस लाइक दैट. शार्क्स ने शार्क टैंक के बाहर जाके उन कंपनीज में दोबारा इन्वेस्ट किया क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने उनको कंसल्ट किया होगा कि भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आपने छोड़ दी. सो दे हैव गोन आउट ऑफ द शो एंड स्टिल इन्वेस्टेड इन दोज कंपनीज. वो भी हो रहा है इसके अंदर, यानी कि प्लस इसमें मतलब सो हमारे इंडिया में, इंडिया इज करंटली हैविंग अराउंड 84 और सो यूनिकॉर्न्स एंड वर्ल्ड वाइड नंबर वन यूएस है जिसमें अराउंड 540 के आसपास यूनिकॉर्न्स हैं. नंबर टू पे चाइना आता है जिसमें अराउंड 370 यूनिकॉर्न्स हैं और इंडिया इज ग्रोइंग दैट इनटू दैट नंबर. बियॉन्ड यूनिकॉर्न्स देर आर टू मोर कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, गैजेल्स एंड चीताज. नाउ गैजेल्स वो होते हैं जो 2 साल में यूनिकॉर्न बनेंगे, चीताज वो होते हैं जो 4 साल में यूनिकॉर्न बनेंगे. तो इंडिया में वो नंबर भी आ रहा है. सो वी हैव लॉट ऑफ गैजेल्स, वी हैव लॉट ऑफ चीताज इन इंडिया. सो ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट शो एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सोनी लिव एंड ऑल द शार्क्स. दे आर सिंसियरली स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन शूटिंग लाइक प्रोडक्शन ऑफ दिस एपिसोड्स. देर आर लाइक 35 एपिसोड्स इन वन सीरीज एंड अभी सेकेंड सीरीज सीजन चल रहा है. सो पीपल आर रियली गेन्ड अलॉट इन इंडिया. लाइक वो सोनी के सारे वीडियोज वायरल हो चुके हैं. मतलब सोनी टीवी को तो जितना बेनिफिट हुआ है वो तो वही लोग जानेंगे, बट ओवरऑल इंडियन इको सिस्टम को फायदा हुआ और हमारी स्टार्टअप इको सिस्टम बूस्ट हो रहा है, हमारे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टार्टअप होंगी और
ये प्रॉफिटेबल भी होंगी बेसिकली. सो सम सजेशंस टू फॉर दिस प्रोग्राम एंड हाउ वी कैन मेक इट बेटर एंड इवन टू दीज शार्क्स एंड इवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम सजेशन फ्रॉम माई साइड दैट वी शुड ऑलवेज एनकरेज सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स विच आर कमिंग फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया फंड, बिकॉज एवरी स्टेट हैज सेटअप their own startup funds. They are giving that money to accelerators which are running in various university colleges and various other places. Now usme professional run karte hain un startups accelerator ko, even if wo sarkari university mein bhi hai to ek professional CEO banta hai uska, us accelerator program ko chalata hai aur wo identify karta hai college school level pe startups ke liye. To mera ye manna hai ki not only private channel but government should create a program of this this type from Startup India fund. We already have a board of directors for Startup India and it's a big program. Modi ji is working on this, so they should create a parallel program like this wherein they should launch their own TV show and they should invite these startup to participate and pitch, basically, number one. Second, most of these sharks are like business owners. They are not venture capitalists. They are still running their businesses and doing losses, doing profits for some time. Agar aap in paancho sharks ki stories, chheo sharks, in sab sari sharks ki stories dekhoge, to unhone bhi VC se paisa liya. Unka khud ka paisa nahi tha. Haan, apne business se paisa banaya. Par kai saalon tak loss bhi kiya, ab jaake kuch profit kiya, nahi kiya. Toh, there are some other stories floating around these sharks in the YouTube ecosystem, which is fine. Toh, wo sab chalta rahega. कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस गाइस बिकॉज इन लोगों ने एक कैरेक्टर बना दिया इकोसिस्टम का, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का. तो उसमें गवर्नमेंट शुड कम अप, दिस शुड बी रेगुलर प्रोग्राम्स, दिस शुड इवन हैपन एट स्टेट लेवल, दिस शुड इवन परकुलेट डाउन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल बेसिकली. सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट, कि खाली एक शो ना हो जिसकी हम वेट करेंगे अगला सीजन कब आएगा. गवर्नमेंट शुड रन इट एंड इट शुड वर्क लाइक ए रेगुलर गोइंग ऑन गोइंग प्रोग्राम. एक सजेशन शार्क टैंक इंडिया के प्रोड्यूसर्स के लिए एंड स्पेसिफिकली माई फेवरेट शार्क अमन गुप्ता और अश्नीर ग्रोवर, दोनों मेरे फेवरेट है. मैं उनको दोनों को मिला नहीं हूँ बट दोनों को सुनता हूँ, दोनों को समझता हूँ. तो अश्नीर ग्रोवर और अमन गुप्ता को मेरी पिच है कि इसको एक ऐप बनाइए शार्क इंडिया ऐप के नाम से. उस ऐप का आइडिया मैं दे रहा हूँ, फंडिंग मेरे को नहीं चाहिए, देना चाहो दे देना, मैं ले लूँगा, मैं ऐप भी बना दूँगा आपके लिए. उसमें आप लोगों को भी पार्टिसिपेट कराओ, जितने हमारे मिलियन यूजर्स हैं, लेट्स से हमारी ऑडियंस 100 मिलियन क्रॉस कर चुकी है जो इस शो को देख रही है. आप उन लोगों को बोलो कि आप 100 मिलियन यूजर्स अपना 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया एक ऐप में डालें, वो जो फंड बनेगा आपका, वो फंड से लोग वोटिंग करें जब आपका शो चल रहा हो, और उस शो में जनता भी वोट करे, जनता भी बिड करे, और जनता को उसमें उसकी परसेंटेज ऑफ शेयर मिले उस कंपनी का, यानी कि तो आप तो उसको फंड कर ही रहे हो. क्राउड सोर्स करके हम फंडिंग ऐप बना के जनता से भी उसमें ऐप में वोटिंग कराएं, और जितनी ज़्यादा जनता उसको वोट करे तो उससे उस स्टार्टअप की पिच का पॉपुलैरिटी इंडेक्स भी पता चलेगा. नाउ दिस इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल यूनिक आइडिया फॉर टेकिंग स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम विच इज शार्क टैंक इंडिया टू नेक्स्ट लेवल. इवन दिस आइडिया इज ए ग्लोबल आइडिया एंड अमेरिकन शार्क टैंक और ऑस्ट्रेलियन शार्क टैंक शुड गिव रॉयल्टी टू मी इफ दे यूज दिस आइडिया. सो थैंक यू सो मच. दिस इज योर ओन अजय छाबड़ा. विल मीट इन 2-3 डेज ऑन अनदर टॉपिक.